हेलो दोस्तों कैसे आप सब एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है मी एंड टू क्लास के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट एज लाइक मोटिवेशन के तौर पे तो यस सबसे जरूरी यहाँ पर है कि आप जो काम करते हैं वही आपकी दिशा तय कर यहाँ पर एक स्टोरी के जरिए हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट कि ये अपना जो टाइटल है वो यहाँ पर अपनी स्टोरी के अंतर्गत आपको मैं बताने जा रहा हूं कि किसी व्यक्ति ने पूछा महान फिलोसोफर सुक्रात से सफलता का रहस्य क्या है क्या पूछा सफलता का रहस्य क्या है तो सुकरात ने उस व्यक्ति से कहा कि कल सुबह मुझे आप नदी के पास आकर मिलो कल सुबह आप मुझे नदी के पास आकर मिलो तो एज रूटीन मिलते हैं नदी पर तब सुकरात उसे कहते हैं कि जा बंदे तू नदी के अंदर उधर और चेक करके आ कि कितना पानी गहरा है कितना पानी गहरा है वो शख्स वो व्यक्ति नदी में नापने के लिए प्रवेश करता है नदी का पानी है उसके नाकों तक मतलब नाक जहां से सांस लेना होती है वहां तक आता है और पीछे से प्लेटो आकर अपने पीछे से सुक्रात आकर उस व्यक्ति का सर दबा देते मतलब उसको डुबा देते हैं डुबाने मतलब उसको नीचे भार देते तो व्यक्ति नीचे डूबने लग जाता है और तड़पता है मछली की तरह से ऐसे तड़पने की कोशिश करता है और कुछ समय ऐसा ही उससे रखते सुकरात कुछ समय उस व्यक्ति को ऐसा ही रखते हैं उसे बिल्कुल सी अब उस व्यक्ति को बिल्कुल लगने लगा कि अब है ना

यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है यही तुम्हारे प्रश्न का उत्तर है कि सफलता रहस्य क्या है तो सुकरात ने कहा कि सफलता उसी प्रकार होती है जिस प्रकार आप निकलते ही पानी से बाहर निकलते ही सांस लेने की सोचते हैं उसी प्रकार सफलता के लिए पूरे तन मन धन सब कुछ लगाकर उसमें अर्पण कर दो

तुम तैयारी करते हो इसी तीव्रता के साथ तुम अपने लक्ष्य की सफलता के लिए मेहनत करते हो तब आपको सफलता निश्चित मिलेगी यानी तलब होनी चाहिए क्या होनी चाहिए कि जैसी आप बाहर निकले आपको सांस लेने के सिवा और कोई नहीं सूझा वैसी आपको सफलता के लिए भी ऐसा ही सोचना पड़ेगा तब जाके आप सफल होंगे तो यही है सफलता का रहस्य अपने अंतिम लक्ष्य की ओर बढ़ते ना कि कहते ना कि मेहनत भी ऐसी करो मेहनत भी ऐसी करो कि आपको लग जाए कि बस यही वो मेरा क्षण है यही वो मेरा पल है जिस पर मुझे कुछ लेना है और उस पर लिए मुझे अर्पण कर सब कुछ कर देना है यही जरूरी है और ऐसा ही हौसला और बुलंद रख लीजिए और जो एग्जाम लेते हैं उसको सोच लीजिए मेरा ये सबसे लास्ट और अंतिम एग्जाम है मुझे अब ये करना ही होगा देखिए प्यारे दोस्तों आप सभी यू you नो know, जानते हैं लेकिन कोई है ना ये तलब नहीं रखता है ये एक सबसे जरूरी चीज होती है क्योंकि हौसले इतने बुलंद रखो कि हौसले इतने बुलंद रखो कि असफलता भी आपके सामने घुटने टेक दे यानी सबसे जरूरी है हौसलों को भी आप आसमान में उड़ाए रखे आसमान से याद आया मुझे कि खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा खोल दो पंख मेरे कहता है परिंदा अभी तो अभी तो और उड़ान बाकी है अभी तो और उड़ान बाकी है जमीन नहीं है मेरी मंजिल जमीन नहीं है मेरी मंजिल अभी तो पूरा आसमान बाकी है अभी तो पूरा आसमान बाकी है तो यही जोश और जुनून के साथ आपको अपने काम में जुड़ जाना रियलिटी में क्या है रियलिटी की बात करते हैं ना तो आप बहुत सी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और अपना समय है वो फालतू चीजों में चला जाता है तो इसीलिए कहते हैं फोकस्ड हो जाइए आपको बस एक ही चीज पर ध्यान देना है क्योंकि ध्यान दीजिएगा अगर आप चार से पांच साल मेहनत करोगे तो आगे की जिंदगी लाइफ मौज करने वाली होती है अगर आप रोज के छह घंटे पढ़ोगे तो सफलता लगातार करने पर निश्चित है अगर अब नहीं पढ़ सकते तो आने वाले समय में लगातार बारह घंटे मेहनत करना पड़ेगा तब जाके पेट भरेगा तो ये हकीकत है और इसी जिंदगी के दौर में इस जिंदगी के खेल की अगर मैं बात करूं तो जिंदगी एक खेल की तरह होती है लाइफ इज अ गेम अगर आप इसे एक अच्छी तरह से अगर आप इसे एक अच्छी तरह से खेल रहे हो तब तो आप जीत जाओगे तब तो आप क्या होगे जीत जाओगे और अगर आप सिर्फ एक दर्शक की तरह देख रहे हो तो आप केवल ताली बजा सकते हो जीत नहीं सकते तो इसलिए मैदान में इसलिए एग्जाम में ऐसे उतरिए कि आपको एग्जाम को देखना नहीं है आपको तो उसे जीतना है आपको तो सिलेक्शन सीन के लेना है बस यही जुनून होना चाहिए जीवन संघर्ष है ये जीवन संघर्ष में है तो संघर्ष को एंजॉय कीजिए जब आपको लगे कि हार्ड एंड फास्ट है तो मुस्कुराहट होनी चाहिए तभी सफलता आपके कदमों में गिरेगी और ध्यान रखिए कि राह सफलता की जो चलता है राह देखो संघर्ष हर लाइफ का दौर होता है संघर्ष हर जीवन में आता है ठीक है तो यही संघर्ष को अगर हम बात करें तो राह संघर्ष की जो चलता है रहा संघर्ष की जो चलता है वही संसार को बदलता है वही संसार को बदलता है जिसने रातों में जंग जीती है सूर्य बनकर वही निकलता है सूर्य बनकर वही निकलता है तो प्यारे दोस्तों ये एक फुल ऑफ कॉन्फिडेंस एंड मोटिवेशन था शायद आप आज एग्जाम देने जा रहे हैं शायद आपका एग्जाम है तो मेरी ये कुछ लाइन है आपके अंदर ज्वाला की तरह भड़कनी चाहिए और ऐसा कर लीजिए कि दोबारा ना मिलेगा यानी कहते हैं ना जिंदगी ना मिलेगी दोबारा उसी मेहनत से उसी सिद्ध से उसी फोकस से आप उसमें जो भी काम करें उसमें लग जाइए तन मन से ओके और धन आपके लिए फ्यूचर में है तो ध्यान रखिएगा मेहनत ऐसा कीजिए कि आने वाला समय है वो आपके लिए बेहतरीन बन जाए तो आज भले ही संघर्ष हो आज भले ही आपको तपस्या तपनी पड़े लेकिन आने वाला सुनहरा गोल्डन टाइम आपके लिए वेट कर रहा है तो अब देरी किसकी है लेट्स गेट टुगेदर एंड फाइट इट Thank you so much. Take care and have a nice day.